जनरल साहब, वेरी अनयूजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय डीजीआईएसआई एंड डीजीआईएसपीआर। डीजीआईएसपीआर साहब तो ज़रा मीडिया से टॉक करते हैं, उनका काम यही है, लेकिन उनके साथ डीजीआईएसआई का मौजूद होना और जिस किस्म की या जिन चीज़ों के हवाले से उन्होंने बातचीत की, सबसे पहले मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, बीइंग अ फॉर्मर जनरल, आई मीन व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी, थैंक यू वेरी मच मुर्तजा साहब। सबसे पहले तो अरशद शरीफ साहब की वफ़ाद के ऊपर सबको अफसोस है, हमें भी उतना ही अफसोस है जितना बाकी दोस्तों को है। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। बाकी अभी जिस तरह की हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी तफरीक है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी, इवन पॉलिटिकल मिलिट्री लेवल के ऊपर भी, नीचे चले जाएं अवाम के लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तफरीक है लोगों के अंदर। और इसी वजह से जो नज़र आता है, अल्लाह पाक करे कि ये पूरा ये जो एहतजाज का सिलसिला है, लॉन्ग मार्च का सिलसिला है, अगर वहाँ पे जाके कन्वर्ट भी होता है आगे धरने में, ये भी अल्लाह करे अच्छे तरीके से गुजर जाए, पीसफुल गुजर जाए, और इंशाल्लाह गुजरेगा भी। जिस तरह सुहेल साहब फरमा रहे थे कि पिछले भी खान साहब के जितने उन्होंने जलसे किए बड़े पीसफुल रहे, इंशाल्लाह ये भी पीसफुल रहेगा, हमें पूरी उम्मीद है। लेकिन जिस वजह से जो आपने सवाल किया है कि डीजीआईएसआई को क्यों आना पड़ा, बात यह है कि सारी इल्ज़ाम जिस तरीके से लग रहे हैं, जिस तरीके से बयानिए बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी आके, उसमें ख़ास तौर पे गन डाउन किया जा रहा है आईएसआई को, आर्मी को, कि जी प्रॉब्ली ये लोग इन्वॉल्व हैं जी अरशद शरीफ साहब के कत्ल में, उनको इस उनकी उनको शहीद करने में। मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह के इल्ज़ाम लगने चाहिए, और लगाने वालों को भी सोचना चाहिए। जब तक पूरी तरीके से तहकीकात नहीं हो जाती हैं, इस पर कमेटी भी बन चुकी है, मेरे ख्याल में जुडिशियल कमीशन भी बन जाएगा बहुत जल्दी, तो हमें इंतज़ार करना चाहिए उनके उनके फैसलों का, क्या उनकी फाइंडिंग होती हैं, क्या वो अपना ओपिनियन देते हैं, उसके लिहाज से फिर आगे बातचीत चलानी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल है कि हम अभी, बात यह है कि अभी तक तो बात पता ही नहीं चली, थोड़ी सी फैक्ट्स सामने आई हैं, बाकी बहुत सारी फैक्ट्स हैं जो कि हिडन हैं, जो कि सामने आनी है। हम उससे पहले ही एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दें, ये अच्छी बात नहीं। हम ब्लेम करना शुरू कर दें अपने इदारों के ऊपर, खुद ही ब्लेम करना शुरू कर दें, तो ये सही नहीं है। इसी वजह से डीजीआईएसआई को आना पड़ा, और ये बड़ा अनयूजुअल है, डीजीआईएसआई पहले नहीं आते इस तरह का।